सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ मैं आज से क्लास ट्वेल्थ का यूपी बोर्ड का इंग्लिश का जो पोर्शन है उसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आपको इसकी वीडियोस मैं दूंगा। और इसके लिए मैंने आपके लिए क्या प्लान बनाया हुआ है, आज का जो वीडियो है वो आपका सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। तो आज हम सिलेबस बताएंगे आपको सेक्शन नंबर बी का, क्योंकि सेक्शन नंबर ए का अभी हम पोर्शन नहीं कराएंगे और सेक्शन नंबर बी का जब आपका ग्रामर का पोर्शन हो जाएगा उसके बाद सेक्शन नंबर ए का भी कराएंगे हम, ठीक है। तो आज हम सेक्शन नंबर बी का जो 50 मार्क का आपका कोर्स है उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आपको वीडियो स्टार्ट करेंगे देना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं क्या है हमारे सिलेबस में। तो जो भी बच्चे आप अभी कोरोना वायरस की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उन्हें मतलब स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो उनके लिए मैं चाह रहा था कि थोड़ी उनकी भी सहायता की जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये क्लास स्टार्ट की है आज से। तो आप हमें इसका फीडबैक देंगे कि हमें इस क्लास को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और आपका मैं यही थोड़ी वीडियो बनाकर बंद नहीं करने वाला हूँ, मैं आपका अंत तक साथ दूंगा। जब तक आपका पेपर नहीं होगा आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है, आपको अच्छी तरह से कराऊंगा, क्योंकि मैं इंग्लिश का स्पेशल आपका बैच अलग से दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना और आपका कर्तव्य ये बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपकी पढ़ाई में गहनता दिखा पाएंगे, ठीक है। हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट भी करेंगे और हम आपको आपकी पढ़ाई में आपकी बहुत सहायता करेंगे, ठीक है। तो आज के हम सिलेबस में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इंटर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो ले रखा है, ठीक है, तो उसमें मैंने आपका सिलेबस देखा है। तो ये जो आपका इंटर का प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, ठीक है, तो इसमें मैंने आपका सिलेबस देखा है और नोट डाउन किया हुआ है क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखिए तो हम करा रहे हैं यहाँ पे, देखिए दस देखिए तो हम यहाँ पे करा रहे हैं यूपी बोर्ड, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और जो आपका ये है सेक्शन नंबर बी है, यानी क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा उसमें से आपका सेक्शन नंबर बी 50 मार्क का आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, सेक्शन ए की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको सेक्शन बी कितनी जल्दी कैसे और कितने अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको वो आपको देखना है, आपको अच्छी तरह से अपनी तैयारी करनी है। इसके लिए हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसमें आपको बता देते हैं कि आपका सिलेबस क्या दिया हुआ है। तो जनरल इंग्लिश की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपको दिए गए हैं 2 मार्क्स के। अब 2 मार्क्स के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है इसमें आपको 2 देगा, ठीक है, उसमें से आपको 1 करवाएगा। जैसा कि मैंने इस पेपर में देखा है और इसमें लिखा भी है कि आपको क्या करना है, इसमें आपको 1 करना है। इन्होंने 2 दिए हुए हैं सेक्शन बी में जो स्टार्ट किया है, इन्होंने 2 दिए। इन्होंने लिखा है चेंज द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, वन चेंज करना है। यानी आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे उसमें से आपको 1 को चेंज करना है, 1 को इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो है आपको करना है, ऐसा भी कर सकता है इनडायरेक्ट बनवाए, ऐसा भी कर सकता है इनडायरेक्ट देके आपको डायरेक्ट बनवाए, ठीक है। तो उससे आपको वो टेंशन नहीं लेनी, मैं कराऊंगा, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका सेंथेसिस है और सेंथेसिस में भी ऐसे ही आएगा, आपका सेंथेसिस के लिए भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि आपको इसमें से 1 ही करना है। तो इन्होंने 2 दिए हुए हैं, इन्होंने लिखा है कंबाइन एनी ऑफ द वन फॉलोइंग डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स में जो दिए हुए हैं कि आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो आपको सेंटेंस दिया जाएगा उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी आपका 2 मार्क्स का होगा, 1 सेंटेंस दिया हुआ, सेंटेंस करना दिया हुआ, 1 सेंटेंस दिया हुआ, ठीक है, आपको 1 सेंटेंस करना होगा, 2 सेंटेंस दिए होंगे, 2 एक करना, उसमें से 1 चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपका 3 नंबर का आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में भी ऐसा ही होने वाला है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें लिखा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज अ डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इसमें भी आपको 1 ही चेंज करना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको 1 ही करना है, ठीक है। तो 1 होगा आपका 2 मार्क्स का। उसके बाद आपका सेंटेक्स आ जाएगा, और सेंटेक्स में आपको 1 प्लस 1
हुआ है तो इसमें आपको दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, तो आपको दो करेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको कितने करेक्ट करने पड़ेंगे, दो सेंटेंस आपको करेक्ट करने पड़ेंगे। आपको चार सेंटेंस दिए होंगे, आपको उसमें से कितने करेक्ट करने हैं, दो सेंटेंस करेक्ट करने हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका आ जाता है वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी में मैं आपको डेली आपको पांच पांच वर्ड दिया करूंगा, जिससे आपको याद करवाया करूंगा। एक वीडियो में आपका सिलेबस भी चलता रहेगा और ये भी आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। ठीक है, तो वोकैबुलरी ये क्या दे रहा है, ठीक है, तो पहला आपका सिनोनियम्स दिया हुआ है, तो सिनोनियम्स आपको कैसे करना है कि इसमें लिखा हुआ है आपका सिनोनियम्स के लिए यूज एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, यूज ऑफ द एनी थ्री फॉलोइंग्स इडियम फ्रेज ऑफ योर ओन सेंटेंस। ठीक है, तो आपको क्या करने हैं, आपको इसमें से तीन करने हैं, आपको पांच दिए हुए हैं। ठीक है, अब पांच में से आपको तीन अटेम्प्ट करते हैं, एक एक नंबर के आपके होंगे तो तीन मार्क्स का हो गया, एक एक नंबर के होंगे और आपको कितने करने हैं, तीन करने हैं, तो आपका तीन मार्क्स का हो गया। ऐसे यहाँ पे एक एक नंबर के होंगे, क्या है ये एंटोनियम से, एक एक नंबर के होंगे और होंगे कितने, तीन होंगे, आपको तीन करने पड़ेंगे, तीन मार्क्स का ये हो गया, यहाँ भी पांच दिए होंगे। और यहाँ पे जो होमोफोन्स होगा आपका, तो होमोफोन्स में आपका क्या किया जाएगा, होमोफोन्स वन और वन, यहाँ वन वन टू आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको टू मार्क्स का हो जाएगा। और यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए, तो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे देखना, आपको एक मार्क्स का एक एक दिया होगा, पांच दिए होंगे उसमें से आपको तीन ले सकते करने हैं, तो आपको तीन करने हैं, तो यहाँ तीन मार्क्स का हो गया होमोफोन्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, होमोफोन्स आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको दिया जाएगा क्या, ईडियम एंड फ्रेज, और ईडियम एंड फ्रेज में भी आपको ठीक है कितने दिए होंगे, यहाँ पे ज्यादा पांच से कम नहीं दिए होंगे, और यहाँ पे आपको तीन डिस्कस करने हैं, मीडियम और फ्रेज, तीन मार्क्स का ये होगा। ठीक है, उसके बाद आपको दी जाएगी एक ट्रांसलेशन करने के लिए। ठीक है, ट्रांसलेशन यानी आपको हिंदी दी होगी और उसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हिंदी टू पहुंच जाना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में आना पड़ेगा। ठीक है, जब इंग्लिश में जाएंगे तो आपको कितने मार्क्स देगी, 10 मार्क्स देगी। अब ये जो पोर्शन है आपका, वो आपका डिसाइड करता है कि आपने इन चीजों को कितनी अच्छी तरह से पढ़ा। ठीक है, आप अगर इन्हें सिनोनियम, सेंटोनियम, होमोफोन्स, वन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेज, ठीक है, उसके बाद ये आपने चारों पोर्शन पढ़े हुए हैं, तो आपका जो ग्रामर का पोर्शन होगा वो अच्छा हो जाएगा। जब ग्रामर का पोर्शन अच्छा होगा तो आप इसे अच्छा से अच्छा आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छे से अच्छा। ठीक है, उसके बाद ऐसे राइटिंग आएगा, यानी आपसे निबंध लिखवाएगा, और निबंध जो होगा वो आपका होगा 12 मार्क्स का। ठीक है, स्टोरी के बाद आपका निबंध होगा, वो आपका कितना होगा, 12 मार्क्स का। इसमें एक आपको निबंध लिखना है, और निबंध के बाद आपका आपका आ जाएगा अनसीन पैसेज वाला, अनसीन पैसेज वाला पोर्शन आ जाएगा। और अनसीन पैसेज वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, यानी आपको यहाँ पे दो दो मार्क्स के दिए होंगे। ठीक है, यहाँ दो क्वेश्चन दिए होंगे, कितने कितने मार्क्स हैं, तीन तीन मार्क्स के, छह नंबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपको तीन क्वेश्चन दे देगा, तो उस हिसाब से आप उसे कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया पेपर का, और ऑल ओवर हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया सिलेबस का, कैसे हमें कराना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखना ना भूलिए, आपका जो आएगा हम पार्ट स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पे आपका इसे हम अच्छी तरह से कराएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास काफी समय है और हम इसे अच्छी तरह से कोर्स खत्म करेंगे, आपको प्रैक्टिस वाला सेशन दिए जाएंगे, जिससे आप अच्छा से अच्छा पोर्शन अपना एग्जाम से कर पाओ। और जब आपके अच्छे नंबर आएंगे तब आप हमें बता भी सकते हो। ठीक है, तो हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पे आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें ये बताओगे कि हमें ये सीरीज जो है आपकी कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके जो भी आपके सगे संबंधी जो इंटर में कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपके लिए रेडी हूँ। तो आप उन सभी लोगों को हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।